कुछ बच्चों की अपडेट्स लेके आया है मैं, स्पेशली लाइव आई हूँ कुछ बच्चों के बारे में बताने के लिए। जो एक बच्ची वो है पैरालाइज्ड है ना, जो कल मैंने उस बच्ची की स्टोरी बताई थी, सो उसको कल हम ना पंचकूला छोड़ने जा रहे हैं। मैं नाम भूल जाती हूँ, फन फ्लफ के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे बच्चे हैं ना, जो पैरालाइज्ड बच्चे हैं, तो वहाँ पर वो उन बच्चों को ठीक करते हैं। मुझे भी ना अमीशा जी ने रेफरेंस दिया था उनका, तो कल मैं फाइनली उनसे मिल के आऊँगी और ये ब्लैक वाली बेबी को वहाँ छोड़ के आऊँगी, जिससे इसको अच्छे से ट्रीटमेंट मिले और ये बच्ची जब ठीक हो जाएगी तो मैं ही इसको वापस लेके आऊँगी। सो पहले तो सबको सत श्री अकाल एंड हाय। कुछ लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं गाइज। मैं जो पोस्ट डालती रहती हूँ स्टोरी पे, फेसबुक इंस्टा पे पढ़ लेते हो ना, कई बार मैं फेसबुक पे आके स्पेशली पोस्ट नहीं करती, इंस्टा पे स्टोरी डाल देती हूँ, तो वो फेसबुक की स्टोरी पे भी शो हो जाता है आई थिंक। तो अगर बीच बीच में आपको कोई क्वेश्चन हो तो बोल देना, मैं फटाफट पेन कॉपी लेके बैठी हूँ, मैं लिख लूंगी। सो पीछे मेरे एक मैम बैठे हैं मिलियन से, रिमझिम से हेलो, से हेलो बीबी, से हेलो, से हेलो ना, इंस्टा फेसबुक यूट्यूब फैमिली को हेलो कर देना यार। मैं पीछे बैठती इधर, और पीछे से बैठ के चुन्नी खा रही है। मैं आपके मैसेज भी पढ़ रही हूँ, मैसेज कह रही, कमेंट भी पढ़ रही हूँ साथ साथ में। और ना जो परसों मैंने एक वीडियो नहीं डाली थी बारिश में, तो उस वीडियो के नीचे ना इतने लोगों ने कमेंट कर रखे हैं कि आप पंजाबी क्यों नहीं बोल रहे, पंजाबी के लिए सॉरी बोल रहे हो। गाइस आपको सबको पता है कि पंजाबी तो पहला मेरी माँ बोली, फर्स्ट लैंग्वेज है। हिंदी मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सारे लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती, और जब क्या बोलते हैं, जब कोई नेचुरल चीज़ होती है ना तो पंजाबी अपने मुंह से निकल जाती है। सो मतलब मेरे को कोई शर्म शुरम नहीं है हिंदी पंजाबी बोलने में, जितनी भी लैंग्वेज आएंगी मैं तो बोलूँगी। अब इंग्लिश उर्दू या और लैंग्वेज इतनी हाई फाई नहीं आती ना, सो जो आती है बोल लेते हैं। कई बार मुँह से पंजाबी भी निकल जाती है, हिंदी भी निकल जाती है। मेरे को तो ये बात अच्छी लगती है, जो लोग जिन्होंने पंजाबी कभी सुनी भी नहीं थी वो भी कई बार मेरे को मिलते हैं तो सत श्री अकाल बोलते हैं मेरे को, सत श्री अकाल, तो मेरे को अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा ये। स्मॉल पपीज क्राई नहीं, जारा को आदत है, जारा बाहर है अभी, बिल्ली के साथ खेल रही, तो जारा बोल रही है अभी ऐसे। हमारा अकाउंट को क्या हुआ गाइस? मैं फिर बोल रही हूँ, जो इंस्टा वाला मेरा अकाउंट है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, हम कोई भी अगर क्रुएल्टी की वीडियो डालते हैं तो इंस्टा हमारे अकाउंट को बंद कर देता है। इंस्टा की कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप कोई जैसे क्रुएल्टी की वीडियो होती है, जैसे किसी डॉग को चोट लगी उसको ब्लड वाली वीडियो है वो नहीं डाल सकते, कोई डॉग अगर ऊँची ऊँची रो रहा है चिल्ला रहा है वो वीडियो नहीं डाल सकते। तो मतलब मुझे ये था कि खाली नाच गाने की वीडियो के लिए सोशल साइट्स बनी है क्या? अगर हमने अपनी ज़िंदगी सेवा में लगाई है, देखो जो लोग क्रुएल्टी करने से थकते नहीं हैं, उनको शर्म नहीं आती, उनका दिल इतना सा भी नहीं वो मतलब उनको अफसोस नहीं होता, इवन वो गाड़ी के नीचे दे के किसी बच्चे को सीधे निकल जाते हैं, उनको एक होता ना अचानक अचानक, देखो किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, अचानक नहीं, जो जान बूझ के ऐसे कर रहा है, उसके बाद जब वीडियो डाली जाती है तो इंस्टा वो वीडियो डिलीट कर देता है। हमारे अकाउंट से इतना स्टफ ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, और भी हमारे ऊपर वैसे वार्निंग्स आ जाते हैं कि आपका अकाउंट ही बंद कर दिया जाएगा। तो मुझे ये होता है कि जब है ना, फिर ये चीज़ें बनाई क्यों हैं? गवर्नमेंट रूल नहीं चेंज कर रही, पुलिस वाले इनको सजा नहीं देते, लोग हर रोज इतने गंदे लेवल पे क्रुएल्टी कर रहे हैं, जब वो दुनिया को दिखाए तो क्या बोलते हैं, सोशल साइट्स उसको बैन कर देती हैं। मतलब भाई क्या मतलब कि एनिमल लवर्स को या जो बच्चों की हेल्प करते हैं क्या क्या मुश्किलें उनको झेलनी पड़ती हैं। मेरे पास कितने डॉग हैं मेरे को खुद भी नहीं पता कितने हैं, बहुत सारे हैं वैसे। तो बेसिकली मैं अभी लाइव आई हूँ बच्चों के अपडेट्स देने के लिए। अभी रूम में कितने बच्चे सो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे सो रहे हैं, अभी दिखाती हूँ सबको। डुग्गू फॉस्टर हाउस गया हुआ है, कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ को पता है कि जैसे कांटों को पीरियड्स आ गए थे उसकी वजह से डुग्गू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, और वो टिंगू को, बिन्नी को, जारा को, सबको उसने बहुत बुरी तरह मारा। तो हमारे नॉन में जो फॉस्टर हाउस है मैंने उस बच्चे को वहाँ भेजा है, बहुत अच्छे से उसकी केयर हो रही है, जैसे ही कांटों ठीक हो जाएगी तो मैं उसको वापस ले आऊँगी। तो मैं गाइस कल ना पंचकूला जा रही हूँ, अगर किसी को पंचकूला या चंडीगढ़ वाली साइट, अगर कोई छोटा बेबी अडॉप्ट करना है डॉग का,
देन प्लीज मुझे कमेंट में जवाब देना, और कोई अच्छे वाला बंदा ही जवाब देना। जो मेरे से ज्यादा ये बोलते हैं ना, ये मतलब कि हमें मेल नहीं फीमेल चाहिए, रंग ये नहीं वो चाहिए, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना, तो मतलब फिर मेरा अडॉप्ट कराने का दिल नहीं करता। मैं उन बच्चों को ना उनके हाल पे ही छोड़ देती हूँ कई बारी। तो मतलब मैं क्यों किसी ऐसी फैमिली को दूँ, है ना, जो पहले ही वो इतना ज्यादा वो कर रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही भाई, मेरा गला खराब है। यू आर डॉटर ऑफ गॉड, सो कभी अमृतसर भी आ जाओ। डेफिनेटली आऊंगी, जल्दी आऊंगी। गुड वर्क सिस्टर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है गाइज आपका? मैं बच्चे दिखाना स्टार्ट कर दूं। एंड मैं वो जो ब्रह्म कुमारीज की कुछ कोट्स आते हैं, मैं वो पढ़ रही थी। एक लाइक वीडियो थी कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी जाते हैं, तो हमें वहाँ जाके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इतने सालों से वहाँ पर भक्ति हो रही है ना, नेगेटिव वाइब्स निकल चुकी हैं, पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। हमें वहाँ जाके कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम जस्ट एंटर करते हैं और हमें इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो मेरे लिए ये जो बच्चे हैं ना, ये जो डॉग्स कैट कोई भी है, तो मैं भी जब इनको देखती हूँ तो मतलब मेरे को इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। जब मैं घर में आती हूँ, अभी कितने टाइम से हैं, तो घर में आती ना आपको नेगेटिव माहौल नहीं मिलेगा, आपको ऑलरेडी पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाएंगे, क्योंकि बच्चे ये इतने टाइम से घर में हैं। तभी तो मैं लोगों को बोलती हूँ, आप चाहे एक कोई भी पेट रख लो, कोई कुछ भी रख लो, एटलीस्ट एक बेजुबान को अपने घर रखो, और आपके घर में देखना पॉजिटिव वाइब स्टार्ट हो जाएंगी। आप कई बार घर में देखो, सबकी लड़ाइयाँ होती हैं, क्लेश होते हैं, बाहर लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे ही आप अपने घर आओगे ना, घर आते ही आपको सब भूल जाएगा, क्योंकि जो भी आपका पेट होगा वो आपकी वेट कर रहा होगा। वो आपसे जब प्यार से मिलेगा, आप सारी बोलते ना सारी बुरी बातें, दुख सब भूल जाओगे। सो मेरे अकॉर्डिंग अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एटलीस्ट वन ऐसे कोई पेट घर में रखने की इजाज़त दो, क्योंकि मैं देखती हूँ कई बार छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ना बहुत जिद करते हैं कि हमें डॉग चाहिए, कैट चाहिए, तो उनके पेरेंट्स नहीं मानते। तो प्लीज अगर मान जाया करो, उन्हें पेरेंट्स बोलते हैं हम तुझे इसलिए ला के देंगे अगर तू पोटी उठाएगा, तो आपने अपने बच्चों की भी तो पोटियाँ उठाई हैं। आप जो हम सब हैं, हम कोई ऐसे ही बड़े नहीं होंगे। अब हमारे पेरेंट्स हैं वो भी ऐसे ही बड़े नहीं होंगे, वो भी तो बेड पे पोटी करते थे। तो गाइस ऐसी शर्तें मत रखा करो, अगर आपके बच्चे बेजुबानों से प्यार करते हैं ना, तो उनको थोड़ी सी वो दे दिया करो मोहलत, क्या बोलते हैं, इजाज़त की कोई बच्चे को। और अगर आपने अपने बच्चे को डॉग नहीं भी ला के देना ना, तो आपके पास नियर अबाउट कोई शेल्टर होम होगा, कोई ऐसी जगह होगी, तो उनको वहाँ लेके जाया करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो कल जब मैं ब्लैक वाली बच्ची को छोड़ने जाऊँगी ना, तो मैं जो वहाँ की वीडियो है, देखो मेरे को ज़िंदगी में अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। जो अच्छे लोग हैं मैं उनके भी वीडियो डालती हूँ, जो बुरे मैं उनकी भी डालती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई लोग मेरे जैसे ख़ास तौर पर मेरे को मिलते हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ और आगे लेके आती हूँ। ऐसे ही अगर मैं कल वहाँ जाऊँगी, तो उनकी भी डेफिनेटली वीडियो बना के प्रॉपर हम डालेंगे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नियर अबाउट 70+ डॉग्स हैं उनके पास। बिन्नी के बारे में कुछ बताएं। बिन्नी अभी चिल कर रहा है नीचे, है ये क्या खा रही है, अपने नेल्स को क्यों खा रही है ये? हम बहुत अच्छी बात कही या सो अगर कोई आपका सीरियस वाला क्वेश्चन हो, नॉट रबिश टाइप प्लीज। और इतने लोग तो बीच में आए हुए हैं, अपना टाइम पास करने आ जाते हैं ना, फिर मैं अब तो कुछ बोलती भी नहीं, मैं तो उनको भी मोस्ट वेलकम करती हूँ, आ जाओ, तुम्हें क्या पता रोज का भाषण सुन सुन के इतनी अकल ही आ जाए। वो बोलते हैं ना, जब कोई चीज़ हम रोज़ देखते हैं, हमें चाहे वो बुरी भी लगती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि थोड़ा हम भी इम्प्रेस या कुछ सोच अपने अंदर ले ही लेते हैं ना। तो मैं तो इसी वेट में बैठी हुई हूँ, रोज़ देखो फिर भी टाइम निकालना पड़ता है, लाइव आना पड़ता है, बोलना पड़ता है, हर चीज़ इसमें इन्वॉल्व है, मेरी पूरी फैमिली है ना, सारे इन्वॉल्व है, कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच बदले, चाहे वीडियोज़ देख के बदले। तो मैं हर रोज़ इसी उम्मीद से उठती हूँ, इसी उम्मीद में सो जाती हूँ, कि अगर हम ये एफर्ट कर रहे हैं, हमारी तरह और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो मैं अपने आप को कोई इतनी बड़ी एनिमल लवर नहीं बोलती, मेरे से तगड़े तगड़े लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे होता है कि वो भी जब हमें ऐसे देखेंगे, हमारे कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो मिलजुल के ग्रुप बनेगा, चेन बनेगी। सो मैं तो इसी उम्मीद में सोती हूँ कि काश एक दिन आएगा, रूल चेंज होंगे, क्रूल्टी कम होगी, हर बंदा खाना डालेगा, इन बच्चों को प्यार करेगा।
सो देखो कब ये चीजें बनती हैं, और ये ना हम सब लोगों की वजह से बनना है। हम उम्मीद रखें कि मेरा बुआ मेरा फुफड़ चाचा ताया वो करने लग जाएगा, ऐसे कुछ नहीं कोई करता, ना कोई सोचता इनके बारे में, बेचारों के बारे में। क्वेश्चन कोई नहीं है, मैं मूव करूं बच्चों के पास। चलो मैं बच्चों के पास मूव कर रही हूँ। सो किस दिन ना मैं वेली होगी ना, क्वेश्चन लिख के लाऊंगी। लोगों की बातों को कैसे इग्नोर करती हैं। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, जब मैं शुरू शुरू में ऐसे खाना डालती थी ना, लोग मुझे कई, मुझे तो ये तक सोचने में सुनने में मिला था, मेरी मम्मी ने ना क्या किया, जैसे किसी ने हमें बोला कि आप ना राइस में हल्दी डाल के बनाया करो, ये बच्चों को जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो हमने जी राइस में हल्दी डाल के ऐसे बनाना स्टार्ट किया। तो मैं रात को ना कुछ बच्चों को अपने घर के आसपास खाना दे के आती थी, और सुबह पता वो लोग ना इकट्ठे होके मेरे घर आ गए। मेरी मम्मी और दादी को बोलते हैं कि आपकी लड़की ना रात को हमारे घर के बाहर टूना करके जाती है येलो चावल का। मतलब लिटरली यार लोगों की सोच देखो, वो डॉग जब रोटी चावल खा लेते थे ना, थोड़े थोड़े दाने नीचे रह जाते थे। मतलब लोगों ने तो इतना परेशान किया है ना, इतना परेशान किया है कि लोग तो यही, मतलब उनकी एक ही लक्ष्य था कि इसको हम स्टॉप कर दें। ये कोई लोग ये बोलते तू क्यों खाना देती है, मत खाना दे, तू खाना देती है, फिर ये पोटी करते हैं। खाली मेरे को नहीं, मेरे को इतने मैसेज आते हैं, हर फीडर को ये सुनने में मिलता है। मैं गली में कल परसों बाहर निकली, देखो मेरी गली मोहल्ले वाले भी वीडियो देखते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने खाना देना दो, नहीं देना ना दो, प्लीज ऐसे उनको मारो मत और कुछ गलत मत करो। कल परसों मैं गली में बाहर निकली, जैसे कांटो बाहर भाग जाती है तो उसको पकड़ने के लिए, तो आंटी आए बाहर, यार वो तुम्हारे घर में जाके थोड़ा पोटी कर रहे हैं, मतलब वो कहाँ करेंगे, गलियों में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो आंटी मेरे को बोलती है लाइक देखिए देखिए ये पोटी करते हैं। तो मैं क्या आंटी कहाँ करेंगे वो, तो मैं क्या आप अपने टॉयलेट में करते हो, इनके लिए भी टॉयलेट बनवा दो गली में। मतलब लोग तो हमारे घर आते हैं स्पेशली, मैंने तो बोला हुआ भाई जिसको ज़्यादा दिक्कत है आ जाए करो, हम उठा दिया करेंगे, हमारे कौन सा हाथ टूट जाएंगे ऐसे उठाना ही, तो हाथ धो लेंगे दोबारा। अब पता नहीं भाई उनके हाथ कौन से, वो मोम के बने हुए हैं, हमारे लोहे के बने हुए हैं। मतलब यार सीरियसली मैं तो गली से बाहर निकलती हूँ ना, मेरे को तो इतने लम्हे सुनने को मिलते हैं, और ये नहीं बोलेंगे ये वाला डॉग तेरा कुत्ता आया था उसने पोटी की है, तेरा कुत्ता आया था वो ना चप्पल उठा के ले गया। तो मैं तो उनको बोलती हूँ कि मैं अपने दरवाजे बंद रखा करो, ना उठाएंगे चप्पल, उनको थोड़ा पता है कि तुमने उनको इनविटेशन दे रखा है अंदर। यार अच्छा लगता है, मतलब लोग मेरे बोला हुआ है, मेरे को बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कहीं मैं खाना दे रही हूँ अच्छा खासा सड़क के ऊपर जगह साफ करके साइड में खाना रख रही हूँ, कुछ सियाना सियाना बंदा आएगा हाथ दोनों पीछे रख के ऐसे कमरे पे, यहाँ खाना मत डालो यहाँ गंद पड़ जाता है, यहाँ खाना मत डालो, डॉग यहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे। रेंजन ना ना, भाई मैं फिर बोल रही हूँ, जो लड़कियां लड़के जितने भी फीडर हैं आपको बहुत गंदे वाली दिक्कत आएगी, आपने घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं, गलत रिएक्ट भी नहीं करना। अगर कोई बोलता है ना यहाँ खाना नहीं देना, थोड़ी सी साइड में दे दो, हमारा काम क्या है उस बच्चे का पेट भरना, हमारा काम खड़े होकर लड़ाई करना नहीं है। पहले मैंने बहुत लड़ाइयाँ की हैं, मेरे को बहुत टॉर्चर भी किया गया है, पुलिस स्टेशन में बिठा के टॉर्चर किया गया है। मैं रोती थी, मतलब सीरियसली मेरे को इतना रोना आता था, मतलब अभी मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हूँ। और आपको यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि जो मैंने इतनी सी टाइम में और इस एज में इतना कुछ सीख लिया ना, तो मेरी यही राय है, अगर आपको कोई मना करता है, कोई गाली देता है ना, चुप करके सुन लेना, चुप रहना, कुछ नहीं बोलना। हमारा काम है उस बच्चे को खाना देना, उसकी ज़िंदगी बचाना। अगर हम इन लोगों के चक्रों में पड़ गए ना, लड़ने वालों के, तो हम भाई लड़ाइयों में रह जाएंगे, हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। पहले मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। एक्चुअली मैं तो करनाल में पॉपुलर इस वजह से हूँ कि ये लड़ाइयाँ करती है, ये गालियाँ देती है, क्योंकि गालियाँ लड़ाइयाँ मैं क्यों करती थी, जब वो मेरे सामने किसी डॉग को मारते थे ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था, मैं वहीं के वहीं बोलना स्टार्ट कर देती थी। मैं उनको देखो, मैं सेम उनकी लैंग्वेज में बोलती थी, लेकिन बदनाम क्या हुई, मैं हुई गाली देती हूँ। वो टांग तोड़ रहे हैं, मैंने कहा तू टांग तोड़ रहे हैं ना, भगवान तेरी टांग तोड़े, मैं ऐसे बोलती थी। मैंने उनको माँ बहन की गालियाँ नहीं दी, सेम यही लैंग्वेज में बोलती थी। वो मेरे घर तक मेरे भाई मम्मी को फोन करते थे, तेरी बहन बकवास कर रही है, ये तुम्हारी लड़की ऐसे बोल रही है। मेरे घर पंचायतें आती थी, तो मेरे घर वालों को भी पता है मैं जब कोई चीज़ गलत देख रही हूँ तो मेरे से नहीं कंट्रोल होता। बट अब मैंने देखो, मैं 100% तो अभी भी कंट्रोल नहीं कर रही, मैं सोचू कि मैं बड़ी वो होगी, मेरे से
जी बोला ही नहीं जाता। कल मैं देख रही हूँ यही अपना हांसी चौक के पास, जो करनाल से उनको तो पता होगा, एक डॉग बेचारा वो लंगड़ा के चल रहा है एक टांग से, और दो लड़के अपनी मस्ती में जा रहे हैं उसकी टांग पकड़ के खींच रहे हैं। तो जैसे ही मैंने दूर से देखा, मैंने इतनी जोर की आवाज लगाई कि 10 बंदे और भी देखने लग गए। मैंने कहा तू उसको क्यों मार रहा है? ऐसे ही जी ऐसे ही। तो मैंने फिर सुना दी उसको, मतलब मेरे से नहीं कंट्रोल होता, मैं तो उसको दूर से देख रही हूँ कि उसको पेन किलर दूं, वो लड़के उल्टा उसको मार रहे हैं। मतलब इन लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, इन लोगों के दिल में दिल नहीं है, ये वो ना स्टोन का दिल, पत्थर का दिल है उनका। उनको उनके सामने कोई डॉग गाय, किसी को कीड़े पड़े, कोई चल नहीं सकता जा रहा है ना, कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। तो ये फर्क सिर्फ एनिमल लवर्स को पड़ता है, और ये दिखता भी उनको ही है। जब एक सड़क पे डॉग होता है जिसको मैगेट्स पड़े होते हैं, वो इतने लोगों को क्यों नहीं दिखता? क्या उनकी आंखें नहीं है? क्या हमारी 4 आंखें है? हमें दिख जाता है ना, क्यों? क्योंकि हमें प्यार है। अब एक शराब का जो ठेका होता है वहाँ शराब भी क्यों जाता है? उसको शराब पीनी है ना, उसका मकसद ही वही है, उसको नीड है। ऐसे हमें इन बच्चों की नीड है कि भगवान ने हमें भेजे इनका ट्रीटमेंट करने के लिए, इनको प्यार करने के लिए। ड्यूटी नगर पालिका की है, ड्यूटी सरकार की है, सरकार के पास फंड आता है, लेकिन ड्यूटी तो हम निभा रहे हैं ना, और हमने ही निभानी है। और हमने किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी, किसी से कुछ गिला शिकवा नहीं रखना भाई। जब नगर पालिका करेगी करेगी, देखा जाएगा, तब तक खुद तो करें। ये ना हो कल को हम 70 साल के बूढ़े हो जाएं और तब ये नगर पालिका की आंखें खुले। कईयों को तो कलर सूट कर रहा है ना, कोई गल नहीं, एक किटन मेरे पास भी है, कोई अडॉप्ट कर लो। प्लीज़ आप कमेंट में डालो फोटोज, जो लोग करना चाहेंगे वो डेफिनेटली करेंगे। और कभी भी आपको कोई दिक्कत होती है ना, आप कमेंट सेक्शन में कोई मैसेज डाल दिया करो। मैंने देखा हुआ है काफ़ी लोग ट्रू वाले एनिमल लवर्स हैं, वो आपस में आपको रिवर्ट कर देते हैं। ये देखो आए नहीं, माँ मेरी ये अवेलन जरा खून पीता है ना मेरा, इधर देख लो इसको। नहीं आए, छड़ डिगेगी थले, छी इन्हें ना चुन्नी खानी है, स्कीमा लांडी है, लै अब लोग इसको भी गलत समझेंगे, भाई मेरी बेटी है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है इससे। लोग भी कुत्ते नाल रह के कुत्ती होगी है ना, लोग मेरे को ऐसे भी बोलते हैं। चलो मैं बच्चे दिखा रही हूँ भी है, बड़ा हो गया मेरा भाषण है ना, मैं बच्चे दिखा दा हूने कि किसी दिन ना मैं प्रॉपर क्या ने पंजाबी च लाइव आवांगी। आ इधर सुती, मैनू मसाज करन दी आ, वेख लो, आ देख लो देख लो, लाइव फड़ेगी, चोरी फड़ेगी तेरी लाइव। ये बड़ी चलाक है, सौ गुरु दी बड़ी चलाक है। चुन्नी ना खाई, मम्मी मेरा मर्डर कर देगी, चुन्नी खान लगी जेड़ी तू। चलो जी, चलो मैं अपना पूरा टब्बर विखान लगी हूँ है ना, ज़्यादा नहीं, सब परपुन हो गया। मैम आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प, कोई बात नहीं, जान मर जो, शी लव यू यार, सी सीरियसली मेरे साथ ही सोती है। अब देखो चुन्नी खा रही है, देख लो इधर ये दाल आंदी होली जी कि इनू पता। आ वेख 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 लिया वेख लिया। अच्छा ये फोन भी चलाती है, मैंने इसकी वीट हाई नहीं कितने नौवा नाली चुन्नी पाट जे। मम्मी मुझे पहले ही बोलती है तूने तो सब कुछ इनके नाम कर दिए। मम्मी लाइव तो नहीं देख रहे आप? सीरियसली शी इज सो क्यूट, शी इज फ्रॉम दिल्ली, साउथ दिल्ली। ये बच्ची हमारी साउथ दिल्ली से ही थी। लव यू गुगी, सीरियसली बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। शेल्टर कदों बनेगा? दिसंबर तो पहला बन जाएगा। खाओगी ये? मार चू चू से, तेरा दिमाग ही लिया क्या है? दिमाग ही लिया तेरा, पागल नहीं है क्या? मम्मी मतलब ये इतने वो वाले हैं, हाय हाय, मतलब इतने वो हैं ये, अगर इनके पास मैं कोई पुराना जो दुपट्टा टी शर्ट रख दूंगी ना, लाइन का भी टाइम पास हो जाए, उसको नहीं छेड़ेंगे ना जी, ना इनको भी सारा पता है केड़ा नवी चप्पल नवी जुत्ती केड़ी है, किन्नू की करना है ना। चलो मैं तुहानू ना दूजे बच्चे विखा लेंगे फटाफट, मैं बाली लेट हो जाऊंगी फिर नहीं तो है ना। सो मैं अब की करन देगी, चलो मैं दूजे बच्चे विखावा। यू आर लवली सोल मैम, वन ऑफ द डॉग हुम आई टेक केयर ऑफ सफर्ड फ्रॉम मैगेट्स, आई हैव स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट टूडे। मैं तो इंग्लिश बोलती, मैं लग नहीं जिम्मे हिंदी बोल पंजाबी बोलन दी है ना।
आंटी के घर का क्या हुआ, साढ़े करनाल च मीह पैन डे, आंटी का घर 100% बनेगा, तो तानू फोटो वीडियो पक्का पावगी, होर किसी नूं मैं पावां ना पावां तानू फोटो वीडियो पक्का पावगी, क्योंकि जो मैं कमिटमेंट करनी है मैं 100% पूरी करनी है। सो लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव यू टू फ्रॉम इंडिया, करनाल हरियाणा च, है ना, बिग फैन ऑफ फैन फून नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, सच्ची बताऊँ। देखो मैं फिर बोलती हूँ कि जो लोग हैं ना जो मेरी तरह और लोगों की तरह एनिमल्स की हेल्प करते हैं, सारे जने अपना पेज बनाया करो, क्योंकि देखो जब हमने भी पेज बनाया था हमें कोई नहीं जानता था, आप सब लोग ऐड हुए हो ना धीरे धीरे, इसलिए अपना पेज बनाया करो, और कल को मैं भी क्या पता आपका पेज देखूँ, फिर हम आपस में जुड़ के काम करेंगे ना, एक लंबी चेन बना के, कि कल को आज हम एक हैं, दो चार सौ हजारों बंदा हो जाएगा, फिर कितने धरना देना होगा ना, फिर चंगी तरह धरना देंगे कितने, है ना, किसे पुलिस स्टेशन जाना होगा, कोई क्रूरिटी होएगी ना। चलो मैं बच्चों की सेवा कर ली आया करांगी डेफिनेटली, जिदन शेल्टर बन गया, इधर वेख लो मैडम नू, रिमू नहीं रिमी मार जो, सॉरी यार मैंने ना वर्ड बोल वो करना पड़ेगा, मैं बाली आदत हो गई बोलन की, नौ बच्ची नौ, मैनू ना बाली जी आदत है वर्ड बोलन की, मेरे अकॉर्डिंग मैं चेंज करना पड़ेगा सीरियसली, क्योंकि पंजाबी वेखो पता की होंगे पंजाबी थोड़ी जी आदत हो जाती है एवें, साढ़े फोनों के स्टैंड रखो नहीं, इधर कितने आंदे उन्हें खा ही ना छड़ने, ब्राउनी आ रिमजिम माने वो दियो, आ देख लो इधर जुड़वा भरा सुते ने, ये चीकू है, हाय हाय, आ टिंगी मम्मी उत्ते आए गए, माने टिंगू को लेके आ बाहर से, वो रोज ना आ गई, माने आ गई, आ देख लो चीकू, ता तुसी दूरों तो पछाण भी नहीं पाओगे, कल नू जो वड्डे होगे चीकू केड़ा लड्डू केड़ा है, बाथरूम कीता है, हाय हाय टिंगी, हाय टिंगी नी, हाय टिंगू नी, हाय टिंगी ब्राउनी, टिंगी टिंगी टिंगी, हाय टिंग 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 टिंग, आ देख लो मेरा टब्बर सारा, रिम झिम, एक सेकंड एक सेकंड, टिंगी टिंगू रिम झिम ब्राउनी रिम झिम, इन्हें हैड है सारे दी, टिंगी बहुत स्मैल आ रही है पोचे में से, जारा 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 आ गई, जारा जारा, ए पक्का पक्का सुसू करना, ये पक्का पक्का, नहीं जा रहा नहीं जा रहा, पर गाइस जो मैंने रात को कैट का बच्चा दिखाया था ही इज़ नो मोर, अभी एक बेबी है इसके अंदर है, इसको प्रॉपर डाइट दी है, ज़्यादा बात हो डॉक्टर से इसका चेकअप भी करवा लेंगे हम, यार मेरी आवाज़ इदा ही, मैं की करा, और कभी भी किसी कैट के डॉग के बच्चे होते हैं उनको अलग मत किया करो, किसी भी हालत में उनको टच मत किया करो, क्योंकि बाद में उसकी माँ एक्सेप्ट नहीं करती, और जितनी मर्जी उनको आर्टिफिशियल डाइट दे दे बहुत कम चांस होते हैं बच्चों के सर्वाइवल के। ब्राउनी ब्राउनी नहीं ब्राउनी, रिम जी मेलो, रिम जी में इतनी बड़ी है जो ही इसके नीचे से निकल जाती है, लड्डू लड्डू नी, हाय लड्डू, तुसी है वे निक्के निक्के न्याणे हो के, पूरी रात खेलते हैं ये, ब्राउनी नहीं ब्राउनी, हाय बुगी, हाय ब्लैकू, मेरा ब्लैकू बच्चा शिनी, मेरा बच्चा अच्छे अच्छे ठीक हो जाएगा, हाँ जी लड्डू लड्डू लाडी, आय नी लाडी, अच्छा चीकू, आय मेरा बच्चा उठन की कोशिश कर दो खेडन की, मेरा बच्चा छेती छेती ठीक हो जाएगा, फिर मेरा बच्चा सारे नाल भज्जे करेगा, है ना, हो ना मेरे बुगे, है ना,
गाइज ये ब्लैक वाली अब सबको पता है ना, मेरे हाथ में लाइट है, मैं इसके सिर पे हाथ नहीं रख सकती अभी। मने इधर इसको प्यार करियो, आ देख लो जिथे ही मैं सोफे दबाऊंगी नाल ही। रेम जेम, रेम जेम, रिमू ब्राउनी, हाय नी मेरे बुग्गे बच्चे। मैं तक दे तुसी हुण ये रे क्या हुआ, बात कोई बात नहीं चेंज कर देंगे ना, कंबल भी रहने देना इसको, कंबल भी रहने देना, सारे रात को रूम में ही सोते हैं ये सारे जने। ओए बुगी, सो कल ये बच्ची ट्रीटमेंट के लिए जा रही है, उसके बाद आ मेरा पुत्र सुता एक चीकू, चीकू अब सबको पता होगा चीकू बड़ेगा, जंगल से हम लेके आए थे, ये बहुत ये ब्राउनी से भी छोटा था। बड़े डॉग्स ने चीकू को इतना मतलब दोनों तरफ से पकड़ के खींचा था, इसका पूरा पेट फट गया था, कट गया था, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ब्लड लॉस से बेचारे की बच्चे की जान ना चली जाती। वहाँ पर एक भैया थे उन्होंने पकड़ के रखा, इनके गीत सुन लो जरा एक बार, इनके गीत सुन लो, ये खेल रहे हैं, खेलने दे खेलने दे इनको। मैं सेल नहीं करती डॉग, सेल करते हो क्या? मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया सेल करने बंद कर दे और अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दे। हाय गुगू, कितना जोड़ा बच्चा जी, हाय हाय मेरा बच्चा। दिलजीत जी तुसी मेनू बहुत पसंद हो, तुसी मेरे नाल मर जाओ, करा लो इत्थे व्याह सारे नाल ना करा ला। मैं क्वेश्चन वे किवें किवें ते करनगे, आ वेख लो है छोटा बट पूरा आ फते ओवे वे छड़दा नहीं है भी। टिंग टिंग नी टिंग टिंग नी टिंगू नी टिंगू टिंगू ब्राउनी वेला इधर अग तो पूरी लगी उन्हें भी, मैं पिछे रह गई। आए नी टिंगी ने मुंह बखा दिया एक बार, टिंगी का टिंगी एक बार थोड़ा क्लोजअप जाते दे दे बह के। और ये रिम जिम ना रात को जा रहे को भी मारती है पूरी रात, मेरी बचान बचान च लंघ जाती सारे नू। जो ही आराम नाल उत्ते बैठी रहती है, कोई दिक्कत नहीं किसी तो। चलो मैं दूसरे बच्चे दिखाने जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ पूरी दुनिया में डॉग बिकने सेल करने बंद हो जाए, जितने अपने इंडिया के डॉग हैं उनका अडॉप्शन हो। ये चीज़ें तभी होंगी जब ये बिकने बंद होंगे, कैनल बंद होंगे, मतलब इंडियन डॉग्स नू का तो नहीं ध्यान रखते हैं, ज़्यादा ब्रीडा का शौक रहा है। चलो मैं अभी दूसरे बच्चे दिखा रही हूँ, माने आ जा, इसके कपड़े निकाला है अभी। हमने ना बड़ा पिंजरा मंगवाया है, एक बहुत बड़ा आ टेबल जिन्ना, जिदे च जा रहा तेन दुमन कट्ठे रखा करांगे। रिमी कूलर चल रहा सामने, रिमी ब्राउनी ओए माने आइयो आज। और निके निके कीड़े बड़े आए ने यार, ओ माय गॉड, आज पूरा इंडिया गेट है। 1 2 3 स्टार्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मौसम तो बड़ा ठंडा होया। हाय मम्मी यार इत आवे आवे आवे, ज़्यादा हम ना टची वच्ची नहीं करेंगे इनको, क्योंकि फिर इनको ही होता है हमें प्यार। अवे नेत्रा होगी स्टार्ट तू, अवे मैं चलिए मैं चलनी अवे, मैं पागल को नहीं आई जी मैंटल समझे तुम सारे ने। अरे क्या अवे अवे मैं ना अपने सिर फाड़ लेना तू, क्या कहना मैं यार थले तो जो ताड़ी बूत। अवे सारे मेरे नाल आ रहे हैं देख ले, इनको सारे मेरे नाल खलोते ने। सब तो पहले जिम्मी वेख लो, जिम्मी की एक टांग नहीं है एक आंख नहीं है, जिम्मी की पूरी बैग जली हुई थी लेकिन अब बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, यहीं पर रहती है। और ये टीम नीचे जाएगी तो दिखाऊंगी, सर्किट मेरे पीछे लुक का जिम्मी सर्किट देख। मैं नेत्रा नेत्रा एडी कमजात है ना, जान जान पंगे लेगी, बूथा वेखदा लबेड़िया सारा इन्हें। गाइस अपनी आवाज़ फ़ोन की कम कर लेना, कहीं फिर मेरे को ब्लेम करो, दिलजीत तू चिल्लाती है तो मुझे चिल्लाना बनता है भाई। उत्ते इन्हों का वॉशरूम बनाया है, उत्ते तो जाने का थक जाते हैं सारे। आ सर्किट पूरा जाख मेरे को ना ही बुलाइयो बुलाइयो सबको बुला अपने पास। हाँ वेला मेरी यारी भांडे बड़े मेरे नाल इत्थे, डब्बू
डॉक्टर विशाल आप आई थिंक लाइव में ऐड हो, ये वही डॉग है पैरालाइज्ड, बट ये चलने लग गया पूरा अभी। माल अथा मारेंगे एक एक सारे आंदे जब बकवास की थी से। सच्ची मेरा खून ही पी जाते ने मर जाने। जाओ 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 जाओ। मोती, बगीरा, सरके, डब्बू, नेत्रा, कोको, कोको शनैल, शिनोए, कोको शनैल, शैडो, जिम्मी, नग पूरे ने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ जने ने, ये रे सारे बच्चे। चलो मैं नीचे जाऊँ अभी दूसरे बच्चों के पास। हाँ चलो मैं दूजे बच्चे को चली हाँ, हजे इतने वाइपर वजना एक करी सारा सौन तो पहला। चलो ये रे मोती, नहीं मोती मेरा बच्चा नहीं, हाय नहीं मच्छर किटे किटे वड्डे ने मर जाओ वेख, हाय हाय हाय, मैं निकल रही हूँ, लड़ाई हो जाएगी हूँ इतने, इन्हें आता सानू प्यार करो, हाय हाय नहीं आवे इन वेल फोन वे मेरा खानू आ वेल वेल, हाँ 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 आ जाओ, मैं हाथ नहीं लाना, हाथ लाया लड़ाई हो जाएगी उन्हें। सर्किट आंदा मेरे तो बगैर जे किसी तू टच भी किया ना, टच भी किया मैं जान कढ लाँगा वो, तो इस करके मैं हाथ नहीं लाने किसी ने ज़्यादा। शिनोए मर जो वे मेरी टी शर्ट नहीं, चलो सर्किट जा रहा, जा रहा किधर सर्किट, नो 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 सर्किट, नो 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 बंद कर माने इसको पोटी कर, हाय हाय नहीं पोटियाँ पोटी कर इंडिया वेलो, आए माँ मजी क्यूटी भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं तो दिखा रही हूँ कैसे करते हैं ये, हाय थोड़ी सी की शर्मा तो नहीं गया, इन्नी तो कौन नहीं करता तू, लाइट बंद कर दे माने, पिछले मच्छर बहुत ज़्यादा है, दरवाजा बंद कर दे, निके निके जो कीड़े बड़े आए ना अज, कई बार वो बारिश के बाद छोटे छोटे से कीड़े नहीं आते, टिंगी आएगा ध्यान रखियो थले। हाय बेबी, हाय माय ब्यूटीफुल गर्ल, थले रांची के गाने स्टार्ट हुए ने, जब जब मारना स्टार्ट हो गया उसको देख लो, इसको लग रहा है मैं खाना लेके आई हूँ, हाय ने मच्छर किन्ने हुए ने, हाय रांची रांची की आओ आज कर सुर लाया तू, हाँ रांची 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 बात कट कर ले था रांची, कटेंगी थले आ गया खुदा लेके आई है, लेके आई है वो सा, ये ना हमेशा दरवाजे में सोती है कि दरवाजा बंद ना करे कोई, वे तो फाइंटा लाना स्टार्ट किया, ब्लैक ही ला थले आ जा इधर, हाय नहीं तिंगी जारा, देख देख उसको फेंटा तार रही है, बिन्नी थले आ जा हम चीका मारेगा थले आना, मैं बिनू आ जाओ, मम्मी कितने वे बिना आ जा, बिनी आ जाओ, बिनी बिनी आ जाओ, तिंगी रहेगी बिनी आ जा, बिनी ले बिनी ले बिनी आ जा, काटो काटी काटी थल्ले आ जा, सरपंच ने तो 2 मिनट बना देंगी तेनू, मैं हूँ कुटेगी बुलाएगी नु वेखी, नहीं बिनी आ जा, उसको दे या खिलौना उसका वो कैसे करता टिंगू, ब्लैकी टिंगी टिंग 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 टिंग, देख लो इसको मैं बोलो बताती हूँ ना, उसका फांटा तारती है ब्लैकी का, ऐसे तारती है, आंधी तेरी हिम्मत किमें इतने हो गई आन दी, ब्लैकी लै ब्लैकी डुगू लै, मेरे को सारे बच्चों के नाम याद है इनके, तेरा फांटा ला देंगे मैं, वड्डी तू इतने सरपंचनी
ਕਿੱਡੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਗਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਝੋਟੇ ਚਿੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਟਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਸਕੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਚਾੜੇ ਗਿਆ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟਿੰਗ ਟਿੰਗ ਲੈ ਚਲੋ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਟ ਮਾਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਓਏ ਬਹਿ ਗਈ ਜਬ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰੂੰ ਐਂਡ ਵੀ ਸੋ ਬਾਕੀ ਮਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਮੱਛਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਜੀਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵੇ ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਲਿੱਤਰ ਕਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆ ਵੇਖ ਆ ਵੇਖ ਕੱਟ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਕਾਟੋ ਦੀ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਏ ਰਾਂਚੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕਾਟੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਫਾਦਰ ਹੋਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਹੋਰ ਆਏ ਜਰਾ ਮਿੰਨੀ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾ ਹਿਲਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਪੁੱਛ ਲੈ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਦੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਕੰਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੀ ਹਾ ਹਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰ ਕਾਟੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੋ ਆ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨੀ ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨੀ ਆ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾ ਜੋਨਸੀ ਨਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਅਤੇ ਆਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਏ ਆਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਆਊ ਆਊ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਊ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂ ਮਾਈਕਲ ਮਾਈਕੂ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਚੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜੂਲੀ ਕੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਜਾ 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 ਬੈਗ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਟੋ ਬਲੈਂਕੀ ਕੋ ਫਟ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਮਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੈਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਿੰਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਟੈਰਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸਟੈਰਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਮਾਸੀ ਵੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਰਾਂਚੀ ਟਿੱਕਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀਰੋ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਐਂਡ ਹੋਣ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵਾਂਗੀ ਆਹ ਕਾਂਟੋ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕਾਂਟੋ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਗਲੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੁਗਲੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਚਲੋ ਜੀ ਲਾਈਵ ਕਰੀਏ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਿਆਰੀ ਸਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਆਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡੇ ਆ ਕਾਟੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਬਾਏ ਜੀ ਬਾਏ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ 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 ਜੀ ਬਾਏ 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 ਬਾਏ